नमस्कार, मैं हूं आर्यन और आप हैं इस समय RN45 एजुकेशन पर। तो जिस चीज़ का इंतज़ार आप लोग काफ़ी दिनों से कर रहे थे, वो परीक्षा तिथि अब आ चुकी है। मैं बात कर रहा हूं एस्टेट 2024 एग्जाम की। इसका जो है एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिया गया है। आप लोग जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग अप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करके जो है आप लोग अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ एस्टेट 2024 एग्ज़ाम से पहले 3 से 4 जरूरी बातें। पहली बात तो एस्टेट में जो है आपका 2 पेपर होगा। पहला पेपर जो है कब होगा और दूसरा पेपर कब होगा, इसके बारे में बात करेंगे। और इस बार परीक्षा में टोटल कितने अभ्यर्थी शामिल होंगे इस पर भी बात करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, पासिंग मार्क क्या होगा, इन सभी पर बात करेंगे। तो बने रहें वीडियो पर अंत तक। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि यहाँ से देख सकते हैं एस्टेट कार्यक्रम जो है जारी कर दिया गया है। पेपर 1 की परीक्षाएं 18 से 29 मई तक। एस्टेट 2024 परीक्षा कार्यक्रम जो है जारी कर दिया गया है। पेपर 1 18 से 29 मई और पेपर 2 11 से 24 जून तक जो है 2 पालियों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से जो है ली जाएगी। पेपर 1 और पेपर 2 में शामिल होने के लिए कुल 5,96,931 अभ्यर्थियों ने इस बार जो है ऑनलाइन आवेदन किया है। और यहाँ से खास बात पेपर 2 के लिए है। पेपर 2 का प्रवेश पत्र जो है वो जून के पहले सप्ताह में जो है जारी किया जाएगा। और इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बात करें अगर पासिंग मार्क की एस्टेट में, तो सामान्य वर्ग के लिए जो है 50%, पिछड़ा वर्ग यानी OBC 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 42.5%, SC ST के लिए 40%, दिव्यांग के लिए 40%, महिला के लिए 40% जो है अनिवार्य है लाना, ठीक है। अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ से देख सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 में 100 प्रश्न निर्दिष्ट विषय से होंगे और 50 अंक जो है शिक्षक कला अन्य दक्षताओं से होंगे। यानी कुल जो है 150 नंबर का जो है आपका पेपर होगा। और आप लोगों को कितने नंबर लाने हैं ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा और दिव्यांग कैंडिडेट के लिए जो है 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय भी दिया जाएगा। तो इस बार की एस्टेट 2024 की जो परीक्षा होने वाली है इसकी तैयारी आप जम के करिए, क्योंकि अगर आप लोग इसमें पास हो गए तो इसके बाद आप लोगों को एस्टेट का जो है सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जिसकी वैधता जो होती है लाइफ टाइम होती है। यानी एक बार अगर आप लोग पास हो गए तो आप लोग TI 4, 5, 6 इस सभी परीक्षाओं में जो है आप लोग शामिल हो सकते हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पेपर 1 ये होने वाला है आप लोगों का 18 से 29 मई, और अगर पेपर 2 की बात करें तो ये आपका 11 से 20 जून, इसके बीच होने वाला है। तो अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब।